दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है तो आपके भी मन में मगरमच्छ का ही नाम आएगा। लेकिन कछुआ भी कुछ कम नहीं होता, ये भी छोटे जानवरों पर हमला करने के लिए उनकी जान दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको मगरमच्छ और कछुए के साथ साथ कुछ अन्य जानवरों को हमले दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन सेट करना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर वन, क्रोकोडाइल अटैक चीता। अगर आप सोचते हैं कि मगरमच्छ सिर्फ हिरन या ज़ेब्रा जैसे जानवर का शिकार करता है तो आप गलत हो, क्योंकि मगरमच्छ शेर जैसे जानवर का शिकार भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे आया है, लेकिन शायद चीता को मालूम नहीं कि वो आज उसका आखिरी दिन है। चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी मौत छुपी हुई है। मगरमच्छ पानी में घात लगाए अचानक से चीते के ऊपर हमला करता है और चीता मगरमच्छ के इस हमले से खुद को बचा नहीं पाता और मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। और मगरमच्छ बड़ी ही शान से चीते को पानी में ले जाता है और उसे अपना भोजन बना लेता है। नंबर टू, टर्टल अटैक डक। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कछुए ने उसकी माँ से उसका बच्चा छीना। यहाँ पर एक बत्तख अपने बच्चों के साथ पानी में घूम रही होती है, तभी उसने तालाब में एक कछुए को देखा। कछुए को देखते ही बत्तख अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे आ जाती है, शायद ये सोचकर कि अब वो बच जाएगी। लेकिन तभी अचानक कछुए एक ही हमले में एक बत्तख के बच्चे को अपने मुंह में दबाकर पानी में गोता लगा देता है और बच्चे का शिकार कर लेता है। नंबर थ्री, वाइल्ड डॉग्स अटैक वॉर्थोग। यहाँ पर जंगली कुत्ते के झुंड ने एक जंगली सुअर को घेर रखा है, लेकिन जंगली सुअर कुत्ते के झुंड से बच निकलता है। मगर जंगली कुत्ते भी कम नहीं होते, वो भी जंगली सुअर का पीछा करने लगते हैं। जिधर सुअर जाता है उधर ही जंगली कुत्ते जाते हैं। इनसे बचने के लिए सुअर एक नदी के किनारे घुस जाता है, लेकिन आज इस सुअर की किस्मत ही खराब है, क्योंकि आगे खाए तो पीछे कुआं है। कुत्ते नदी में नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ घात लगाए बैठा हुआ है। जैसे ही ये बात सुअर को पता चलती है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मगरमच्छ एक ही हमले में सुअर को अपने जबड़े में पकड़कर पानी में ले जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। नंबर फोर, टर्टल अटैक फ्रॉग। यहाँ पर एक एक्वेरियम में कछुआ और मेंढक होते हैं। वैसे तो कछुआ बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं जो जल्दी किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जब इन्हें भूख लगी होती है तो ये हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कछुआ मेंढक को खाने की फिराक में लगा हुआ है। मेंढक कछुए से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इधर उधर भागने के बाद मेंढक थक जाता है। कछुआ मौका पाकर मेंढक को जोरदार हमला करता है और उसकी एक टांग अपने मुंह में दबा लेता है और कछुओं का खाना बन जाता है। नंबर फाइव, क्रोकोडाइल अटैक वाइल्ड बीस्ट। यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट का झुंड नदी के किनारे पानी पी रहे होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि आज इनमें से किसी एक की किस्मत खराब होती है। नदी के अंदर घात लगाए बैठा मगरमच्छ इन पर हमला करने के लिए तैयार है। मगरमच्छ ने जैसे ही हमला किया तो सारे वाइल्ड बीस्ट इधर उधर भाग गए, लेकिन मगरमच्छ ने एक को पकड़ लिया। वाइल्ड बीस्ट भी मगरमच्छ से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। और तभी वहाँ एक और मगरमच्छ आ जाता है जो सीधे वाइल्ड बीस्ट को गर्दन पर हमला करता है और कुछ ही देर में वो तीन मगरमच्छ खाना शुरू कर देते हैं। नंबर सिक्स, टर्टल अटैक फिश। अगर किसी कछुए को मछली का शिकार करना हो तो वह मछली को आसान तरीके से नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मछली पानी में कछुए से ज्यादा तेज भाग सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कछुए ने मछली को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है और अपनी जीभ को हिलाता है। इससे मछली को ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा जीव उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही मछली उसके करीब आ जाती है, कछुआ तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और मछली उसके मुंह में फंस जाती है, जिससे वह कछुए का भोजन बन जाती है। नंबर सेवन, वाइल्ड डॉग्स अटैक रैबिट। जंगली कुत्तों को सबसे खतरनाक शिकार नहीं माना जाता है, क्योंकि शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, जो कि देखने वालों की रूह भी कांप जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जंगली कुत्ते एक खरगोश का शिकार करने बैठे हैं। हालांकि खरगोश अपने बिल में छिपा हुआ है, लेकिन जंगली कुत्ते भी कम नहीं होते, वो भी गड्ढे को खोदने में लग जाते हैं और देखते ही देखते खरगोश को बिल से बाहर निकाल आता है। और तभी जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और खरगोश को अपने जबड़े में पकड़ लेते हैं। इन कुत्तों के जबड़े के पास ऐसा खरगोश जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कुत्तों पर उसका कोई असर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद जंगली कुत्ते खरगोश को दो टुकड़ों में बांट देता है और उसे बड़े ही चाव से खाना शुरू कर देते हैं। नंबर एट, क्रोकोडाइल अटैक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा बहुत ही शांत किस्म के जानवर होते हैं। इसको किसी भी जानवर से लेना देना नहीं होता और अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी शिकारी जानवरों का निवाला बन जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ ने एक ज़ेब्रा को पकड़ रखा है। मगरमच्छ ने इस ज़ेब्रा को अपने मजबूत जबड़े में दबा रखा है और कुछ ही देर में एक और मगरमच्छ भी आ जाता है जो सीधे ज़ेब्रा के मुंह पर हमला करता है। ज़ेब्रा इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाता और तभी तीसरा मगरमच्छ भी आ जाता है और वह मगरमच्छ ज़ेब्रा के मुंह को दबोचकर उसे मौत से घाट उतार देता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाओ और जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।